चैनल, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं आया हूँ अपने एक फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी जगह, और हम हैं अब्सफोर्ड में, जहाँ मैं रहता हूँ पर्सनली, जिस सिटी में मैं रहता हूँ। सो आज हम आपको शो करेंगे टॉप 5 to 10 प्लेसेस, जितनी हम कवर कर सके, है ना, कि कौन सी टॉप 10 प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हो अगर आप अब्सफोर्ड में रह रहे हो, या एज ए स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, या एज ए वर्कर, एनी थिंग अगर आप घूमने आ रहे हो। सो कौन कौन सी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो इन अब्सफोर्ड। सबसे पहली चीज़ होगी बेंटर आइसक्रीम, यहाँ की सबसे फेमस आइसक्रीम। देन वी मूव टू डाउनटाउन, देन वी मूव टू सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी, एंड देन वी गो टू हाई स्ट्रीट एंड सम काइंड ऑफ गुरुद्वारा। ये सब हम कवर करेंगे आज की वीडियो में, और अगर आपको अच्छी लगे मेक श्योर टू लाइक दैट वीडियो, कमेंट डाउन बिलो। एंड चलो फिर विदाउट एनी फर्दर रिव्यू लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड चलो शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलाना चाहूँगा जो मेरी इस वीडियो में हेल्प कर रहा है। सो कम ऑन प्रभ। So yeah, he's Prav. He will introduce himself. Bro, introduce karna. Yeah, hello everybody. My name is Prav. Main Neeraj ka friend hu, aur aaj hum shoot karenge video. So yeah, ye meri help kar raha hai aaj ki video mein. So thanks you Prav. So chalo fir start karte hain isi video ko, and ye agar aapko piche dikh raha ho to ye hai Bentra ice cream, hai na. Dekhte hain andar jaate hain ki nahi, but let's start the video. Hey guys, we're at the Bentra ice cream. My question for Neeraj is, Neeraj, what's your favorite ice cream? मेरी फेवरेट आइसक्रीम यार मेल्टेड चॉकलेट है। मैंने एक बार खाई थी जब मैं यहाँ पे आया था अपने यूनिवर्सिटी में, जब हम पढ़ते थे ना लास्ट ईयर, तो यहाँ पे मैंने एक बार खाई थी मेल्टेड चॉकलेट, इज़ अ गुड वन। लेमन कर्ड अगर तुम जानते हो, मिंट वाली आइसक्रीम भी बढ़िया होती है ना। अगर थोड़ा हम दिखाएं आपको प्लेस, तो ये है प्लेस, है ना, बेसिकली यहाँ से आप जाओगे अंदर, फिर मतलब ये है बेंटर आइसक्रीम बेसिकली, और ये है 5 कॉर्नर्स पे, मतलब एब्सफोर्ड में 5 कॉर्नर्स एक जगह है, मतलब हमने 4 कॉर्नर्स सुना होगा चौराहा, ठीक है, यहाँ पे 5 कॉर्नर्स भी होते हैं, यहाँ पे मतलब बड़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं, तो इधर जाके आपको 5 कॉर्नर्स दिख जाएगा अगर आप जाओगे तो। एंड यहाँ पे पार्क भी है यार हमारे जस्ट पीछे साइड पे, सो अगर आप वो भी देखोगे तो वो भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पे चिल आउट करते हैं बंदे आके, है ना, जैसे अपने यहाँ के लोकल पीपल हो गए। सो अगर प्रब को भी पता हो ना, प्रब ने भी बड़ा प्रेसिडेंटशिप की हुई है अपने यूनिवर्सिटी में, इफ़ यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट हिम अबाउट दैट, है ना, कोई क्वेश्चन हो तो यूनिवर्सिटी बारे। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस होती हैं, जैसे जैसे कोई कंपनीज की है ना, टेंट टूंट लगा के, दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस, पीपल शुड विजिट इट, है ना, इफ़ दे आर कमिंग इन अब्सफोर्ड दे शुड विजिट एंड ट्राई देयर गुड आइसक्रीम, विच वन इज़ फेवरेट, एंड दे शुड कमेंट डाउन बिलो, व्हाट डू यू थिंक? माय फेवरेट इज मार्बल माल्ट डो, दैट्स द बेस्ट फॉर मी। मार्बल माल्ट, ओके, मार्बल माल्ट, मतलब ये सारे फ्लेवर बढ़िया हैं अगर हम देखने जाए तो। इट डिपेंड्स रियली ऑन लाइक पर्सन, लाइक उनका टेस्ट क्या है, चॉकलेट है, चॉकलेट है ना, कैरमल है, तो मिल्टी चॉकलेट भी बहुत बढ़िया है। सो ये थी पहली प्लेस, अब हम जाएंगे सेकंड प्लेस पे, सो लेट्स गो। ये डाउनटाउन का पहला इलाका अगर आप देख रहे हो, दिस इज वेरी कूल, क्यों नहीं चीज है यार। ओहो, सामने से देखो। एंड नाउ वी आर ऑन द सेकेंड स्पॉट, इट्स अ डाउन टाउन, अब्सफोर्ड डाउन टाउन। डाउन टाउन के बारे में आपने सुना ही होगा कि डाउन टाउन शहरों का सबसे महंगा इलाका होता है। यहाँ का डाउन टाउन में उतनी फीलिंग नहीं आती, बट तब भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा डाउन टाउन है, ठीक है। अपने पीछे जैसे एक क्लोथ की शॉप है, सामने बर्गर वाली शॉप है अगर आप उधर देखोगे, ठीक है, और सामने बाहर बैठ के लोग चिल भी करते हैं ना अगर आप उधर देखो तो। बाकी इफ़ यू गो हियर, ये बस स्टैंड है अपना डाउन टाउन का, है ना, बच्चे यहाँ से बहुत लोग चढ़ते हैं, यहाँ पे पास में ही रेसिडेंशियल एरियाज भी हैं, एंड इफ़ यू सी दिस देन पीपल आर कमिंग अलोंग। यहाँ पे चिल आउट बंदे करते हैं।
सो नाउ वी आर ऑन द थर्ड स्पॉट, दिस इज क्लियर ब्रुक लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है लोकल, मतलब एब्सफोर्ड की लोकल लाइब्रेरी। जो भी लोग एब्सफोर्ड में रहते हैं वो अपनी फ्री बुक्स आके यहाँ पे मतलब बाय कर सकते हैं। बाय इन द सेंस कि आपको कुछ पे नहीं करना होता, एक कार्ड बन जाता है कि दैट यू लिव इन एब्सफोर्ड, आर यू स्टूडेंट और समवन एल्स। ठीक है, आप वो कार्ड दिखाओगे, बारकोड स्कैन होके आप बुक इशू कर सकते हो, अपने नाम पे पढ़ सकते हो, देन यू कैन रिटर्न इट बैक। सो ये है क्लियर ब्रुक लाइब्रेरी, बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। भी बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पे शांति होती है अंदर, है ना। जैसे अब यूनिवर्सिटीज बंद चल रही हैं, बच्चे वहाँ नहीं जा पाते, तो यहाँ के भी अंदर सीट्स होती हैं, ठीक है, टेबल्स होते हैं, प्रॉपर टेबल्स, स्टडी टेबल्स होते हैं, वहाँ के आप पढ़ सकते हो, है ना। कामनेस होती है, बहुत क्वाइट प्लेस है एक तरह से। बगल में ही पुलिस डिपार्टमेंट है इधर एब्सफोर्ड का लोकल, वो हम आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू गो दैट साइड। बट नाली एक सिटी हॉल है, इसको हम कहते हैं म्यूनसिपल का दफ्तर, जो सिटी दफ्तर होता है ना, वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, देखते हैं अगर अंदर जाने की परमिशन मिलेगी, बट आई डोंट थिंक सो, बट हम आपको बाहर का दिखाएंगे। सो यही है क्लियर ब्रुक लाइब्रेरी, और बहुत अच्छी सी प्लेसेज हैं इधर। देखो ये स्टैचू बना हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। बाकी नाइस प्लेस है, यहाँ बंदे आके चिलआउट भी करते हैं ना अपना, ये ग्रीनरी भी है यहाँ के, आप टहल लो, वॉक्स वॉक पाथ लगे हुए हैं, वहाँ पे वाटरफॉल लगी हुई है। सो या दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस, इफ़ यू वांट टू कम हियर, है ना, विजिट दिस प्लेस। लाइब्रेरी भी आप विजिट कर सकते हो, समय ओपन है, संडे क्लोज होती है, बाकी 5 दिन 6 दिन ओपन है। सो या तो बिफोर वी गो टू आर फोर्थ स्पॉट, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप पीछे देख रहे हो कनाडा का झंडा, देखो नीचे है समय। इसका एक मेन रीज़न ये है कि भाई रिसेंटली मोर देन 200 माइनर चिल्ड्रंस की डेथ हुई है, दे आर फ्रॉम लाइक ए रेसिडेंशियल स्कूल, और उनको टॉर्चर किया जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था उनके साथ, नोबडी नोज एंड हाउ दे आर किल्ड और क्या हुआ उनके साथ, कुछ नहीं पता। तो कनाडा गवर्नमेंट ने सारे अपने कनाडा के झंडे समय नीचे किए हुए हैं, कोई नहीं अभी लहरा रहा। एब्सफोर्ड की मेन रोड, ये इसको कहते हैं साउथ फ्रेजर रोड, ये पूरी लंबी जाती है, खींचती है कम से कम एटलीस्ट फॉर 20 किलोमीटर, सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड चलो फिर हम उस रोड पे जाएंगे, फिर हम आपको दूर से दिखाते हैं कि सिटी वॉल कैसे दिखता है। बहुत अच्छी प्लेस है यार, यहाँ पे नेचर है ना, यहाँ के बंदा बैठ सकता है। सो वो रही हमारी फोर्थ प्लेस, दैट इज सिटी हॉल, आपको वो दिखाएंगे आप नेक्स्ट। जो भी इंटरनेशनल बच्चा भाई यहाँ आता है एब्सफोर्ड में पढ़ने, उसको ये रोड ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो मेन रोड है यार, यहाँ पे सारी बसें, एवरीथिंग। मतलब गाइस ये है हमारी फिफ्थ लोकेशन, एंड मेरे को ये लोकेशन बहुत पसंद है क्योंकि यहीं पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैंने काम भी किया हुआ है, और ये एक तरह से ओपन मॉल कंसेप्ट है। मेरे को इंडिया में कोई कंपैरिजन मिल नहीं रहा था, तो मैं आपको पता नहीं किससे कंपैरिजन करके बताऊं, बट ये एक तरह से ओपन मॉल कंसेप्ट है कि आसमान खुला है, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अपने कपड़े की शॉप्स है, शूज शॉप्स है, ज्वेलरी शॉप्स है, एवरीथिंग। मतलब सिनेमा हॉल्स हैं यहाँ पे, है ना। सो मतलब एक तरह से ओपन मॉल कंसेप्ट है, इसको हम कहते हैं हाई स्ट्रीट। यहाँ भी अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो फॉर श्योर कभी ना कभी आपका यहाँ पे गेड़ा लग जाएगा, या आपका एक बार आना जाना लग जाएगा, है ना। यहाँ पे इधर अपनी फैक्ट्रीज हैं, अगर इस साइड देखोगे तो होंडा, और यहाँ पे ऑटो मॉल है। ऑटो मॉल एक तरह से कनाडा का जहाँ पे गाड़ियों के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, उसको हम ऑटो मॉल कहते हैं यहाँ पे। सो वो है इधर, है इधर रेस्टोरेंट्स हैं पीछे जाके, और इधर अपनी फिर और इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज आ जाती हैं। बट बेसिकली ये है हाई स्ट्रीट,
ये भी बहुत फेमस जगह है एबट्सफोर्ड की। हम आपको अभी अंदर जैसे ओपन मॉल कर दिखाएंगे कि ऐसी दुकानें होती हैं ना यहाँ पे। सो लेट्स गो अहेड एंड विल सी व्हाट एल्स वी हैव अप हियर। ने वैसे तो देख लिया हाई स्ट्रीट, बट हम आपको थोड़ा सा कार में दिखाएंगे कि बस एक बार ऐसे चक्कर लगाते वक्त, और एक बार आपको दिखाएंगे कि कैसे चारों मतलब पूरे हाई स्ट्रीट में क्या क्या चीज़ें हैं, सो आपको पूरा पता लग गया है। चलो फिर गाइस, तो ये अपना लास्ट स्पॉट है जो मैंने आपके लिए एकदम लास्ट के लिए बजा कर रखा था। हम आए हैं गुरुद्वारा साहिब। ये अगर आपने मेरी सबसे पहली इंस्टाग्राम पोस्ट देखी हो, जब मैं नया नया आया था कनाडा, तब मैंने इसकी एक पोस्ट डाली थी। सो ये वो गुरुद्वारा है, इसका नाम है गुरुद्वारा साहिब कलगीधर गुरुद्वारा। तो आप देखोगे तो ये बहुत पुराना गुरुद्वारा है एंड ये बना हुआ है। हम थोड़ा आपको अंदर जाके भी दिखाएंगे कैसे होता है, और चलो फिर दर्शन भी कर लेते हैं बाहर से, और एक बार आपको भी दिखा देते हैं कैसा है। सो ये है ये सामने चर्च भी है इस साइड पे। ये वाला गुरुद्वारा भी हाई स्ट्रीट के पास में ही है, बस अभी 5 से 10 मिनट लगते हैं आने में। सो वहां से एंट्री है, अभी लगता है कुछ पार्ट टू चल रहा है, तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे कैमरा लेके, बट यस दैट्स ऑल। एंड ये आखिरी स्पॉट था, तो आपने भी दर्शन कर लिए इसके। That's all for today guys। मैंने आपको जैसे कि 6 लोकेशन दिखाई है ना, हाई स्ट्रीट की, गुरुद्वारा हो गया, सिटी हॉल एंड कुछ डाउनटाउन के एरियाज। तो ये बड़े फेमस एरियाज है एबट्सफोर्ड के, बाकी और सेवनऑक्स भी है ना, मिल लेक भी है। मिल लेक पे मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें मैंने आपको इमिग्रेशन स्टफ एंड एक दो काइंड ऑफ और वीडियोस, वहाँ पे आपको मिल लेक देखने को मिल जाएगा। सेवनऑक्स एक तरह से कंसेप्ट है जैसे अपना मॉल होता है इंडिया में, ठीक है। मैंने आपको नया मतलब एक तरह से कंसेप्ट दिखाने की कोशिश की, जिसको मैंने कहा हाई स्ट्रीट, जो हाई स्ट्रीट लोकेशन थी है ना, वो एक तरह से ओपन मॉल कंसेप्ट है। ओपन था वो है ना, सारी जगह मतलब एक तरह से प्लेस है, वहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एवरीथिंग है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियोस, लाइक करके जाना, कमेंट डाउन कर दो अगर आपको कोई दूसरी प्लेस देखनी है ना, या कोई अगर आपको कोई अगली कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो अपना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थैंक टू प्रभु एज वेल, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, जो आपको पहले दिखा था वीडियो में, जिससे मेरी हेल्प की वीडियो को शूट करने में। एंड देन फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक और किसी नए अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन बाय, सी यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।